सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विवाह को साबित करने के लिए विवाह के समझौते का मात्र पंजीकरण ही पर्याप्त नहीं है। बंटवारे के एक केस में वादी का दावा था कि वह प्रतिवादी के मृतक बेटे की पत्नी थी। ट्रायल कोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के संदर्भ में आवश्यक विवाह समारोह को साबित करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए विवाह को साबित करने के लिए विवाह का एक एग्रीमेंट पंजीकृत होना ही पर्याप्त नहीं है। प्रथम अपीलीय अदालत ने यह माना कि एग्रीमेंट विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत विवाह को रद्द करने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह केवल विवाह का एक अनुबंध है जो पंजीकृत था। हालांकि यह माना गया कि विवाह वैध है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बेंच ने आगे कहा, पूरा मामला विवाह के एक समझौते पर आधारित है जिसमें प्रथागत समारोहों या संस्कारों के पूर्णकरण के बारे में कोई दावा नहीं है या पार्टियों ने अधिनियम की धारा 7 के तहत जिस तरह से सप्तपदी का दर्शन किया है, इसलिए वादी अपने दावे में सफल नहीं हो सकते। शादी के आधार पर हनुमान थप्पा की संपत्ति पर वह अपना अधिकार साबित करने में नाकाम रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अधिवक्ता आदित्य भट्ट की सहायता की अपीलकर्ता के लिए उपस्थित हुए, जबकि अधिवक्ता यतीश मोहन और ई विद्या सागर ने दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।